So hello and welcome peoples, this is your anchor Anjaneya Sro and you are watching me Starlet Entertainment and I'm back here again with another interesting update from the world of television. आप सभी को बताने के लिए जो खबर है वो है नागिन 6 को लेके, नागिन 6 में जहाँ तेजस्वी प्रकाश के साथ आपको दिखाई दे रहे थे प्रतीक सहजपाल, लीप आने के बाद से प्रतीक सहजपाल, वत्सल सेठ और श्रेय मित्तल आप सभी को देखने को मिले थे वहाँ पे उस पूरे के पूरे कैरेक्टर्स को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे प्रतीक सहजपाल का एक हाल फिलहाल के इंटरव्यू में उनका क्या कुछ कहना रहा है नागिन 6 में अपने किरदार को लेकर। उन्होंने ये कहा कि बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड उन्होंने बताया नागिन 6 के मेकर्स को के लिए कि उन्होंने उनको अप्रोच किया और उनको डिजर्विंग समझा उस स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए और उन्होंने अपना 110% देकर उस कैरेक्टर को निभाया। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर बहुत ही नाखुश थे कि उनका जो स्क्रीन टाइम था उतना नहीं दिखाया गया। हालांकि जितना भी स्क्रीन टाइम उनको मिला फैंस ने काफ़ी पसंद किया उनको। उनका ये भी कहना था तुम मुझे फर्श पे बैठा दो, तुम मुझसे 24 घंटा काम कराओ, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे कोई वेकेशन नहीं चाहिए, बट मुझे काम चाहिए एंड काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जितना स्क्रीन टाइम मेरे को मिला आई एम नॉट एज मच सेटिस्फाइड एट दैट बट जितना फैंस ने पसंद किया उतने ही स्पेसिफिक स्क्रीन टाइम में वो काफ़ी काबिल तारीफ है। और फैंस आज भी जिस हिसाब से तेजस्वी और प्रतीक के जो एडिट्स होते हैं उनको रील्स के थ्रू और अपनी पोस्ट्स के थ्रू भेजते हैं उनको और आज भी कहीं ना कहीं याद किया जाता है उनके इस आइकॉनिक कैरेक्टर को, तो इस बात से काफ़ी खुश थे प्रतीक सहजपाल। बाकी आपका क्या कुछ कहना है, आपको प्रतीक सहजपाल का किरदार कैसा लगा था नागिन 6 के अंदर, क्या कुछ कहना उनका वाजिब है या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स को देखते और सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मी स्टारलेट एंटरटेनमेंट को।